वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा मेहरा शॉर्ट्स। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डी मार्ट की शॉपिंग। और डी मार्ट तो जनरली शॉपिंग करने के लिए लोग ग्रॉसरी की ही जाते हैं, बट वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी मिलती है, तो उनमें से कुछ आज मैं लेके आई हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो गाइस, सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये सारे सामान को मुझे अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक साथ इसे अभी यहाँ पे रख दिया है। तो गाइज, ये सब तो ग्रॉसरी शॉपिंग है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। तो जैसा कि देख सकते हो आप, ये पापड़ है, नमक है, चाय पत्ती वगैरह है, कुछ मसाले हैं, और ये हैंड वॉश है जो कि आजकल बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर टाइड है, यहाँ पे कुछ मसाले हैं, अगरबत्ती है, यहाँ पे सोप्स हैं, काजू का पैकेट है, यहाँ पे है बेसन, ये कुछ पप्स है जो मुझे अच्छे लगते हैं, यहाँ पे है कपूर, वो पैरासूट का ऑयल है, यहाँ पे परफ्यूम्स है, ये सोडे की बोतल है, यहाँ पे सोन पापड़ी का पैकेट है जो कि हमने दो ले लिया था। और गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो मैं हमेशा जॉय का ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ, तो ये उपटन वाला तो हमने फर्स्ट टाइम लिया है, बट जॉय का मुझे सूट हो जाता है इसलिए मैं जॉय का ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे लिया है हमने थोड़ा सा पोहा, और ऑयल है, सूजी है, और ये छोटे छोटे पैकेट्स मैं सूप के ले लेती हूँ। हम ये सोयाबीन सफोला का यूज़ करते हैं, तो ये दो पैकेट हमने सफोला के सोयाबीन लिए हैं। यहाँ पे लिया है मैंने मैक्रोनी। तो गाइज, ये तो पूरा है ग्रॉसरी आइटम्स, तो जनरली हर कोई डीमार्ट में तो ग्रॉसरी लेने ही जाता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मुझे ये ग्लास क्लीनर, तो गैलरी में भी जैसे कि आप देख सकते हो कि ग्लास लगा हुआ है। और मेरे हस्बैंड परफ्यूम या डियो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये तो हमने फर्स्ट टाइम लिया है, हमेशा हम फॉग लेते हैं। तो ये है सीक्रेट टेम्पटेशन, ये है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिया है अपने लिए शॉर्ट्स, और मैं आपको उसका कलर दिखाती हूँ। इतना सुंदर है वो कलर, आपको बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो फर्स्ट तो ये है, आप देख सकते हो ये कुछ ना लेमन कलर का है। जो मटेरियल है ना, वो शायद इसे होजरी बोलते हैं, होजरी कपड़ा, तो ये उसका है। और ऐसे कपड़े ना बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा येलो लग रहा है, बट ये येलो नहीं है, ये ग्रीन कलर का है, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो फर्स्ट मैंने ये लिया है। सेकेंड, ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है, और सेकेंड शॉर्ट्स है मेरा ये, वाइट कलर का है, और इसका भी जो मटेरियल है ना वो सेम है, होजरी ही है, तो ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, तो मैंने ये लिया है। ये गाउन भी मिला, तो फिर मैंने वो भी ले लिया। तो आप देख सकते हो ये भी होजरी कपड़े का है। तो गाइस, जनरली ना मेरे जितने भी मतलब गाउन्स वगैरह हैं या फिर नाइटी वगैरह, तो मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि मैं होजरी की ही लूँ, क्योंकि मुझे होजरी का जो कपड़ा होता है ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो जनरली मेरे पास अधिकतर कपड़े ऐसे हैं जो इस मटेरियल के हैं। देख सकते हो ये फर्स्ट कलर है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मेरे गाउन में पॉकेट है। तो फर्स्ट तो ये हो गया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये बहुत कंफर्टेबल होता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो नाइटी मैंने ली है ना, नाइटी गाउन जो भी बोलो आप, तो ये इस टाइप का है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, कोई यूनिक सा नहीं है, बट इसका भी कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे मेन, अभी डीमार्ट में जितने भी गाउन्स आए हैं ना उसमें पॉकेट्स आई हुई है। मैं आप लोगों को रेट भी बता देती हूँ। तो ये जो मेरे जो शॉर्ट्स हैं वो दोनों ही 149 के हैं, तो 150 में बहुत अच्छा लगा मुझे ये दोनों शॉर्ट। और जो गाउन है, तो गाउन भी है 169 का है इच, गाउन मेरे 170 के हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे रेट पे मिल गई है। लिया हुआ है एक बेल्ट, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से है, क्योंकि मेरे पास बेल्ट एक भी नहीं थी, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बेल्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने ये वाला कलर ले लिया, क्योंकि ये लाइट भी नहीं है, डार्क भी नहीं है, तो
में भी यूज हो जाएगा। तो ये मैंने अपने लिए बेल्ट ली है और ये सिर्फ 99 रुपीज का है। डीमार्ट जाने का ये फायदा होता है ना कि जब हम ग्रोसरी लेने जाते हैं या फिर हमें कुछ सामान याद भी नहीं आता है तो वो सामने दिखने से हम ले लेते हैं। डीमार्ट में अधिकतर सामान बाय वन गेट वन होता है, जो भी ग्रोसरी शॉपिंग डीमार्ट से करते हैं उनको पता ही होगा। डीमार्ट जाने से अच्छा खासा बचत हो जाता है। गाइस आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को मेरे डीमार्ट के शॉपिंग कैसे लगी है। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।